हेलो एवरीवन आई एम हरलीन एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्सिफाई नॉलेज और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ऑल्सो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा आज का चर्चा का विषय रहने वाला है येस yes बैंक इस स्टॉक को आज हम यहाँ पर डिटेल में एनालाइज करेंगे बिकॉज येस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो किसी समय सिक्सटीन हंड्रेड सेवेंटीन के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज के समय में देखा जाए तो ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक के दाम पे ट्रेड कर रहा है तो आगे क्या यस yes, बैंक अपने इन्वेस्टर्स को बढ़िया रिटर्न की काबिलियत रखता है। यही आज हम यहां पर टारगेट अचीव कर सकता है और साथ ही एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगी जहां पर अगर आप इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करते हो तो बहुत सारे ब्रोकरेज चार्जेस भी बचा सकते हो और बहुत एडवांस फीचर्स को भी आप

फाइनेंशियल में बहुत ही बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखने को मिला है बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और पिछले दो से तीन साल में यहाँ पर कंपनी के इंटरेस्ट ऑन इनके टोटल डिपोजिट सब नंबर में अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है अब आगे हम देख लेते हैं इनके बिजनेस सेगमेंट्स तो ये बैंक सेविंग अकाउंट क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड रिटेल एंड बिजनेस लोन्स फिक्स डिपोजिट कॉपरेट बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट करंट अकाउंट एंड एस बैंकिंग जैसी सर्विसेस अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं जहां से ये बैंक रेवेन्यू जनरेट करता है

वैल्यू टू का है अभी एक तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है दूसरा इनके रिटर्न रेशियज अगर मैं आपको फोकस करवाऊं तो बिल्कुल ही खराब नंबर यहाँ पर देखने को मिलते हैं आर ओई का है और वहीं आर ओसी का है प्रेजेंट ईटीएम के लिए कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में रहा है वहीं अगर हम पिछले तीन साल के लिए देखें तो ट्वेंटी का इनका प्रॉफिट ग्रोथ रहा है तो यहाँ पर नंबर कुछ हद तक बेहतर है लेकिन डिविडेंड बिल्कुल भी अपने इन्वेस्टर्स को नहीं पे आउट करते हैं अभी फाइनेंशियली अगर मैं रिसेंट क्वार्टर्स के नंबर फोकस करवाऊं तो यहाँ पर अच्छा ग्रोथ येस yes. बैंक में हमें देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का इंटरेस्ट किया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टू से इंक्रीज किया है, है. यहाँ पर बैलेंस शीट को अगर हम स्टडी करते हैं तो इनके टोटल रिजर्व में ग्रोथ देखने को मिल जाता है और जो टोटल डिपोजिट है एफ आई ट्वेंटी से लेकर अभी तक लगातार उसमें का जो है वो थर्टी पॉइंट का है और नेट के लिए दो से तीन साल में फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट जरूर हमें देखने को मिला है लेकिन अभी भी बैंक के रिटर्न रेशियोज बहुत ही खराब है ऑल्सो स्टॉक ओवर वैल्यूड भी है तो ऐसे में इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आपको फोकस करवाती हूँ तो ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन नाइन परसेंट की एफ आई होल्डिंग के साथ यहाँ पर फोर्टी वन पॉइंट

करेक्शन पे यहाँ पर एडिंग करते हुए चल सकते हैं क्योंकि अगर करंट लेवल से हम टू हंड्रेड रुपीज का टारगेट रखते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा समय ये बैंक ले सकता है इस पूरे एनालिसिस को अगर मैं कंक्लूड करूं तो यहाँ पर ये yes, बैंक के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल में भले ही हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है लेकिन अभी भी इस बैंक को बहुत से चैलेंजेस से गुजरना होगा तो टू हंड्रेड रुपीज का जो टारगेट हम रख रहे हैं उसके लिए डेफिनेटली यहाँ पर समय लगने वाला है तो ऐसे में बेहतर होगा कि हम ऐसे स्टॉक्स को फोकस करें बैंकिंग सेक्टर के अंडर जो फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो बिकॉज स yes, बैंक में टर्न आने के लिए काफी समय लग सकता है तो यहां पर इनके आने वाले क्वार्टर को को जरूर ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स को कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन यहां पर बनाना होगा और अपनी होल्डिंग्स को अगर आप होल्डिंग करना चाहते हो तो फिर आप हर करेक्शन पे ही एडिंग करते हुए चले बिकॉज बहुत जरूरी है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ी बहुत टेक्निकल और फंडामेंटल नॉलेज के साथ किसी भी स्टॉक को सही समय पे पिक करना बिकॉज वहां से ही आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हो अब ये थी येस yes, बैंक के बारे में आज की हमारी चर्चा आगे मैं आपको बताना चाहूंगी एक एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां पर आपको बहुत से फीचर्स मिल जाएंगे आप बहुत सारा ब्रोकरेज अमाउंट भी बचा पाओगे और इस टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को करने के लिए आप एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म को मैं भी पिछले काफी समय से यूज करती आ रही हूँ और मुझे ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी लगा आसान है इसे समझना और यहाँ पर सारी चीजें आपको अवेलेबल रहती है एक ही प्लेटफॉर्म पे ओवरऑल मार्केट के सभी की इंडाइसिस जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी एफ ने कितनी क्वांटिटी में बाइंग की है और डीआईएस ने कितनी बाइंग की है ऑल्सो ग्लोबल इंडाइसिस के बारे में भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है जहां पर आप अपू सेवन वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो और हर वॉच लिस्ट में फिफ्टी स्टॉक्स एड करने का ऑप्शन आपको एम स्टॉक देता है अब वॉच लिस्ट में स्टॉक कैसे एड करना है ये भी हम देख लेते हैं कोई भी स्टॉक जिसे आप ट्रैक करना चाहते हो सिंपली उसका नाम आपको यहाँ पर सर्च करना है और प्लस साइन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये स्टॉक आपकी वॉचलिस्ट में एड हो जाएगा ऐसा करते हुए आप कोई भी स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट में एड कर सकते हो जिसे भी आप ट्रैक करना चाहते हो अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो तो भी इस प्लेटफॉर्म पे आपको टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करने को मिलता है सिंपली आप चार्ट के आइकन पे क्लिक करते हुए यहाँ से प्राइस चार्ट ओपन कर सकते हो बेसिकली ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म द्वारा प्रोवाइड किया गया चार्ट है, जो आपको एक इंट्यूटिव यू प्रोवाइड करता है एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे और अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से फंडामेंटल एनालिसिस भी परफॉर्म करना चाहते हो तो यहां पर आप कोट के आइकन पे जब क्लिक करोगे तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन इस के बारे में मिल जाएगी साथ ही स्टॉक का लाइव चार्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो सभी फंडामेंटल पैरामीटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे स्टॉक का परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख सकते हो मूविंग एवरेजेस दिए हुए हैं ऑल्सो अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपको लाइव चार्ट देखने को मिलता है और बहुत से इंडिकेटर्स एम स्टॉक आपको प्रोवाइड करता है जिन्हें यूज करते हुए आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और ज्यादा इजी कर सकते हो यहाँ से आप बाय और सेल भी कर सकते हो इन जस्ट वन क्लिक तो अगर आप स्टॉक बाय करना चाहते हो तो आपको सिंपली बाय पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा सिंपली आपको यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करनी है और जैसे ही आप बाय पे क्लिक करोगे तो आपका ऑर्डर बाय हो जाएगा ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप का ऑप्शन दिया गया है यहां अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट का ऑप्शन चूज करना होगा और अगर आप डे ट्रेड ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो इसका मतलब ये होगा कि आप इंट्रा ट्रेड के लिए बाय कर रहे हो तो आपको उसी दिन अपना ऑर्डर स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा ऑर्डर क्लोज करना पड़ेगा अब क्योंकि यहाँ पर किसी तरह के भी ब्रोकरेज चार्जेस आपको पे नहीं करने तो ऐसे में बहुत सारा अमाउंट आप अपने प्रॉफिट में से बचा पाओगे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यूजर फ्रेंडली है आप इन पे भरोसा भी कर सकते हो अब ऐसा क्यों क्योंकि ये मिराय एसिड ग्रुप का एक पार्ट है यहाँ पे आपको प्री डिजाइन इंडेक्स बास्केट दिए जाते हैं एम स्टॉक आपको एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है वो भी मार्केट से सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे तो अगर आप एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे ई मार्जिन ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ सिक्स का इंटरेस्ट रेट है 700 प्लस स्टॉक्स में आपको 80 परसेंट तक फंडिंग मिल जाती है बाकी आप स्टॉक्स एफ एन ओ करेंसी मार्केट म्यूचुअल फंड आईपीओ इन सब में भी ट्रेड कर सकते हो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पर पे नहीं करने होंगे लास्ट वन ईयर की अचीवमेंट्स की मैं बात करूँ तो 850 करोड़ से भी ज्यादा का इनका एम बुक है एट लाख प्लस इनके यूजर्स है और फोर्टी करोड़ से भी ज्यादा ट्रेड यहाँ पर हो चुके हैं विद इन वन ईयर आप देखोगे एम स्टॉक का जो टर्न है वो फोर 769 करोड़ से भी ज्यादा का है और सिर्फ एक साल के समय में लोगों ने यहाँ पर 145 करोड़ प्लस की की ब्रोकरेज सेव है फोर स्टार रेटिंग है इस ऐप का और रिटेल क्लाइंट होल्डिंग 3830 करोड़ से भी ज्यादा का है चलिए कितनी ब्रोकरेज आप यहाँ से सेव कर सकते हो ये भी हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं ऑप्शन के लिए देखें तो फॉर एग्जाम्पल ब्रोकरेज पर लॉट ट्वेंटी का है और नंबर ऑफ लॉट डेली बेसिस पे भी हमने ट्वेंटी का ही रखा है तो आप देख सकते हो कि ईयरली आप यहां पर एमस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड रुपीज सेव कर पाओगे ऐसे में अगर हम इतनी ब्रोकरेज अमाउंट बचा पाते हैं तो हमारा जो अर्न किया हुआ प्रॉफिट है वो भी हमेशा ज्यादा ही रहेगा यहाँ एम स्टॉक पे आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी होगी किसी भी सर्विस के लिए जबकि अदर ब्रोकर्स के लिए देखें तो अप टू तो 0.55 परसेंट ब्रोकरेज आपको लगता है फुल सर्विस ब्रोकर अगर आप यूज करते हो और ट्वेंटी ब्रोकरेज आपको पे करना होता है डिस्काउंट ब्रोकर पे तो यहाँ जीरो ब्रोकरेज है नो हिडन चार्जेस है फॉर लाइफ फिर चाहे आप इंट्राडे करो डिलीवरी एफ करेंसी ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड आईपीओ मार्जिन फैसिलिटी, कुछ भी आप करो इसके लिए आपको करना क्या है जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर आपको क्लिक करना है और अपना नया डी अकाउंट इनके साथ ओपन करना होगा जिसके लिए सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है जो मोबाइल नंबर आप डालोगे वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी एंटर करना है उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे अभी यहाँ पर आप ओटीपी एंटर करते हुए अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करोगे आगे फिर आपको पैन कार्ड डिटेल्स फिल करनी होगी और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है और सबमिट कर देना है उसके बाद फिर ये आपको एंटर की गई डिटेल्स को कन्फर्म करने को बोलेगा और यहाँ पर सिंपली आपको करना है कॉन्टिन्यू तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन शो होगा जहाँ पर आपको अपना ब्रोकरेज अकाउंट सेलेक्ट करना होगा जिसके लिए आपके पास दो ऑप्शन रहेंगी जिसमें पहला है रुपीज जीरो वाला अकाउंट इसमें आपको ब्रोकरेज पे करना होगा ट्वेंटी रुपीज का ऑन एफ एनओ इंट्रोडे और करेंसी ऑन दी अदर हैंड अगर आप डिलीवरी म्यूचुअल फंड या फिर आईपीओज में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हो तो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं पे करने होंगे और दूसरा जो ऑप्शन है वो होगा रूपीज नाइन नाइनटी नाइन वाला जिसमें आपको लाइफ टाइम कोई ब्रोकरेज पे नहीं करना है फिर चाहे आप एफ एन ओ इंट्राडे करेंसी डिलीवरी म्यूचुअल फंड या फिर आईपीओ किसी में भी इन्वेस्ट या ट्रेड करते हो तो यहाँ से जब आप रूपीज नाइन नाइन्टी नाइन वाला प्लान सिलेक्ट करते हुए कंटिन्यू करोगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगा अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है अपना एएमसी प्लान अगर आप ये रूपीज नाइन नाइनटी नाइन वाले प्लान के साथ ये रूपीज नाइन नाइन्टी नाइन वाला ए प्लान ऑप्ट करते हो तो लाइफ टाइम आपको कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं पे करने होंगे अगर आप इस ऑप्शनल प्लान को नहीं सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको स्टैंडर्ड एम चार्जेस जो रूपीज एवरी क्वार्टर पे करने होंगे इसी के साथ ही आपको रूपीज ऑपरेटिंग चार्जेस भी हर क्वार्टर में पे करने होंगे तो अगर आप इस ए प्लान को ऑप्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको येस पर क्लिक करते हुए आगे कंटिन्यू करना है एमस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है वहां से जाकर आप जरूर अपना नया डी और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो और बहुत सारे ब्रोकरेज चार्जेस आप बचा सकते हो ऑल्सो अगर आप चाहो तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कॉमेंट के थ्रू भी शेयर कर सकते हो लेकिन आपको ध्यान यही रखना है की आज का हमारा पूरा डिस्कशन हमने सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग पर्पज से ही किया है यहाँ पर मेरी ओर से किसी तरह का बाइसल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं कोई से रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर एडवाइजर नहीं हूँ तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हुए एक बार कंपनी के बारे में खुद से रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें और अपने रिस्क प्रोफाइल को समझते हुए ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर हमारे चैनल डाइवर्सिफाई नॉलेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ अगर आप इंग्लिश कॉन्टेंट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे इंग्लिश चैनल डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा आज के लिए इतना ही जल्दी मिलेंगे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर थैंक यू फॉर वॉचिंग Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.